महज 26 साल की उम्र में शहादत का जाम पीने वाले हमीरपुर के शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के शहीदी दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शहीद की याद में बनाए गए स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। 1 जनवरी 2004 को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए कैप्टन मृदुल शर्मा ने शहादत का जाम पिया था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान शहीद के पिता कर्नल जे.के. शर्मा और भाई मुकुल के अलावा स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। वहीं मृदुल शर्मा के भाई मुकुल शर्मा ने कहा कि 16 साल पहले उनके भाई मृदुल शर्मा ने शहादत का जाम पिया था। 51 RR की भी पहली शहादत थी। प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर मृदुल पार्क स्थापित किया था और मृदुल शर्मा की प्रतिमा को भी स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की है कि मृदुल पार्क का विस्तार किया जाए और सभी शहीदों के नाम पार्क में अंकित किए जाएं। जैसा कि आप सबको पता ही है, आज शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा जी का शहीदी दिवस है। तो आज के दिन 16 साल पहले वो आतंकवादियों से लोहा लड़ते हुए शहीद हो गए थे और उनकी शहादत सन 2004 की पहली शहादत थी। 514 AD की भी पहली शहादत थी और 51 RR की भी पहली शहादत थी। मेरा बस यही विनम्र आग्रह है, जो पिछले कई सालों से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि जो ऊपर वाला पार्क है जहाँ पे कैप्टन साहब की मूर्ति भी स्थापित हुई है, उसको थोड़ा सा चैनलाइज करके उसके साथ वाली ज़मीन को पूरे स्मारक में बदला जाए। वहाँ सारे हमीरपुर के शहीदों के नाम आए, जिससे सभी व्यक्ति जिनके भी घर से कोई भी शहीद हुआ है उनको एक व्यक्तिगत लगाव पैदा हो, उनको ऐसा नहीं लगे कि ऑफिसर हैं तो ही स्मारक बनते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे धर्मशाला या बाकी जगहों की तर्ज पे यहाँ का भी हमारा हमीरपुर का शहीद स्मारक, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे शहीद हैं और जो गुमनाम हैं जिनका नाम नहीं है, अगर उनका नाम स्थापित हो जाए तो उनके घर के व्यक्ति भी वहाँ पर आने की इच्छा रखेंगे। और प्रशासन से मैं यही कहूँगा कि टाइम टू टाइम पार्क और यहाँ की देखभाल होती रहे, शहीदों का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि जब उनका शहीदी दिवस है तभी हम उनको याद कर रहे हैं। उनका सम्मान इस तरह से होना चाहिए कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी हमीरपुर में आ रहा है तो उनको लगे कि यहाँ पे कुछ शहीदों के लिए कुछ स्थापित हुआ। बटालियन से आए सूबेदार श्रीमंता बोस ने कहा कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है, ये सैनिकों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। कैप्टन मृदुल शर्मा शहीदी दिवस पर हर साल कार्यक्रम में बटालियन द्वारा भी शिरकत की जाती है। शहीदों का नाम तो हर बार ऐसे होना भी चाहिए और इस तरह हमारे जैसे यूनिट से डिटेल होते तो हर साल आते जा रहे हैं और आएंगे और प्रशासन की तरफ से भी होना चाहिए। तो इस बार भी उन्होंने अच्छा मेंटेनेंस करवाया और काम भी हुआ है तो होना चाहिए। हमारा ही आर्ग्यू रहेगा क्योंकि सेना तो कभी हम भूल नहीं थे, सेना कभी भी हमारा जहाँ भी है, चाहे हमारा प्लाटून कोई ग्वालियर से कोई फील्ड में भी हो, तो हम हर साल कोशिश यही करेंगे जो हमारा शहीद कैप्टन साहब उनके जो इस हर 1 जनवरी के जो प्रोग्राम होता है उसका हम कोशिश करेंगे और जो हमारा सल्यूटिंग वाला प्रोग्राम है उसमें हम पूरा कोशिश करेंगे। प्रशासन की तरफ से हर चीज़ हर बार ये होना जरूरी है तो उनको थोड़ा भी इसके बारे में और ज़्यादा एक्टिव होना जरूरी है। वहीं विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कैप्टन मृदुल शर्मा 1 जनवरी को देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी मृदुल स्मारक में शहीदी दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि कैप्टन मृदुल शर्मा ने अपनी देश की रक्षा के लिए जान निछावर की थी, जो कि हमीरपुर के लिए गर्व की बात है। वहीं उन्होंने कहा कि मृदुल स्मारक के पार्क का विस्तार किया जा रहा है, साथ ही पार्क में हमीरपुर के सभी शहीदों के नाम पार्क में अंकित किए जाएंगे। कि आज ही के दिन हमीरपुर का एक नौजवान ऑफिसर जो देश का मान सम्मान रहे, देश का सर कभी झुकने ना पाए, देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ था। आज हर वर्ष की तरह मिलिट्री सम्मान के साथ उनका शहीदी दिवस मनाया जाता है। हमें मृदुल शर्मा पर, कैप्टन मृदुल शर्मा बहुत गर्व है और मैं आज के दिन यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जितने भी नौजवान हैं वो उन्हीं के तरह जिन्होंने अपनी देश की खातर अपने आप को निछावर किया, उन्हीं की तरह सीखने के इस देश की रक्षा करें और भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि हमीरपुर तहसील पहले भी शहीदों की तहसील कहा जाता है,
इसका हमीरपुर का भी मान सम्मान रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार फिर मृदुल शर्मा जी की आत्मा को शांति मिले, मैं नमन करता हूँ। और साथ में यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे वीर सपूत सभी माताओं को भगवान दे। बिल्कुल सही है, ये बहुत पुरानी डिमांड है पार्क की। और मैं ये आपको एक खुशखबरी भी देना चाहूँगा, शायद अगले साल तक जब हम शहीद का दिवस यहाँ पर मनाए तो आपको पार्क जो है वो बना बनाए मिले। इसमें फंड का अरेंजमेंट हो चुका है और काम लग जाएगा। आपको बता दें कि शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा ने पहली जनवरी 2004 में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कश्मीर में शहादत का जाम पिया था। शहादत के बाद सेना ने मृदुल शर्मा को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया था और प्रदेश सरकार ने भी कई घोषणाएं की थी, जिसमें शहीद के नाम पर भव्य स्मारक के अलावा सुजानपुर चौक पर स्मारक बनाया गया था। हर साल के पहले दिन शहीद मृदुल शर्मा की शहादत को याद करके परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। भारत सरकार ने शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा को सेना मेडल वीरता सम्मान मरणोपरांत दिया था और उस दिन से लेकर आज दिन तक हर साल शहीदी दिवस के आसपास 51 रेजिमेंट के जवान घर पर आकर हालचाल पूछते हैं, जिससे शहीद की शहादत के प्रति सेना की गंभीरता को देखा जा सकता है। और इस तरह सेना के द्वारा हर साल हालचाल पूछे जाने पर परिवार जनों में भी अपने बेटे की शहादत को लेकर गर्व महसूस होता है। कैप्टन मृदुल शर्मा को दुश्मनों की 4 गोलियां लगी थी। गंभीर घायल हुए मृदुल शर्मा ने 1 जनवरी 2004 को अंतिम सांस ली। कैप्टन मृदुल शर्मा महज 26 साल के थे।